अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं, तो आपको मार्केट का थोड़ा बहुत हम लोग जो है व्लॉग्स दिखाएंगे। ओके सो अभी हम जा रहे हैं डी मार्ट। सो अभी चलते हैं हम लोग आपको लेकर। हमारा जो न्यू गेट है ना वो लोग हो गया है, तो हम लोग आपको वो भी दिखाएंगे। तो गाइस देखिए हम लोग अभी नीचे उतर गए हैं, और मेरी मम्मी कहाँ है, मम्मी। और अभी मैं आपको अपना न्यू गेट का दिखा रही हूँ, हम लोग का न्यू गेट। ये देखिए हम लोग का न्यू गेट। सो अभी हम जा रहे हैं, देखिए है। और अभी हम लोग जा रहे हैं डीमार्ट। सो आपको डीमार्ट का थोड़ा बहुत ही दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ना वीडियो या फिर फोटो लेना अलाउड नहीं है, तो हम लोग थोड़ा बहुत ही आपको दिखाएंगे। और उसके बाद हम लोग ये जो हम लोग जो भी लेंगे सामान उसको आपको घर पर आके दिखाएंगे। ये देखिए मेरी मम्मी। तो अभी हम लोग मास्क लगाए, अभी देखिए हम लोग का। सो चलिए आपको अभी डीमार्ट में मिलती हूँ सीधे, ठीक है। हमारे घर के पास में ही डीमार्ट है, तो पहुँच गए हैं। आगे मेरी बेटी सब आपको बता रही है, इसलिए मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं की हूँ। हम लोग अंदर घुस गए हैं मॉल में, और डीमार्ट में हम लोग अंदर घुस गए हैं। देखिए सब शॉर्ट्स वगैरह सब हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही मतलब अच्छे प्राइस में यहाँ मिल जाता है। देखिए सब ज़्यादा लेना अलाउड नहीं है, इसके लिए हम लोग ज़्यादा नहीं लिए, थोड़ा थोड़ा ही लिया है। ये फोर्थ फ्लोर का है, ये ग्राउंड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्राउंड को लेकर फोर्थ है। मैंने पिलो का जो भी जा रहे हैं, और हम लोग अभी ले चुके हैं, तो आपको हम लोग दिखाए हैं हम लोग अभी आपको। तो ये हम लोग आपको दिखाए हैं डीमार्ट का। तो अभी हम जा रहे हैं घर, हमको कुछ लेना है, तो अभी हम घर जा रहे हैं, ठीक है। ओके आपको अभी घर में आ गए हैं हम लोग अभी घर पे, अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। सो अभी हम लोग घर पे आ गए हैं, और अभी मम्मी खाना बनाएगी, उसके बाद मम्मी केक की तैयारी करेगी, तो आपको केक की रेसिपी देंगी। ओके सो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर। ओके सो अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। सो गाइस अभी हम लोगों ने जो चीज़ें ली हैं, फर्स्ट वाले ये जो है पार्ले जी, इतना बड़ा पैकेट लिया है। उसके बाद ये दो हैप्पी हैप्पी के बिस्किट्स दो, उसके बाद ये बिस्किट भी दो लिया है हम लोगों ने। उसके बाद फिर ये इसको तीन लिया है, एक और मैं आपको दिखाती हूँ, स्निकर्स बार। फिर ये हल्दी लिया है, ये हल्दी लिया है हम लोगों ने। उसके बाद ये मैदा दिया है, मैदा। उसके बाद ये घी लिया है, घी। उसके बाद फिर दिखाती हूँ और क्या लिया है। उसके बाद ये पापा के लिए दो शॉर्ट्स पैंट लिए हैं, शॉर्ट पैंट दो लिया है, एक और दिखाती हूँ। और एक ये वाला, उसके बाद लिया है हम लोगों ने ये पिलो कवर्स हैं, दो लिया है पिलो कवर्स, और एक ये पिलो कवर दो। फिर ये लास्ट, हाँ इनो भी लिया है केक के लिए। फिर ये लास्ट है पापा के लिए टी शर्ट। सो गाइस बस इतना ही था, और अभी मम्मी खाना बना रही है। इसमें मैंने बताया है कि अगर किसी का बर्थडे पड़े और सामान जिसके पास ना हो सजाने का, तो कैसे डेकोरेट कर सकता है, वही मैंने बताया है। तो देखिए मैंने दो साड़ी डाली है, ऐसे रस्सी बांधा है मैंने, मेरे घर पहले से बंधी हुई है, और रस्सी दो मैंने डाला है, डालकर फिर दो साड़ी है ऐसे ज्वाइंट कर दिया, ऊपर पिनअप कर दिया। फिर हैप्पी बर्थडे का अगर आपके पास है तो लगा, नहीं तो घर में बनाकर भी कर सकते हैं, ऐसे मोटा मोटा कार्डबोर्ड का लगा बनाकर, मोटा मोटा जो दफ्ती होता है कॉपी वगैरह की, नोटबुक वगैरह की, तो आप कर सकते हैं वैसे। हैप्पी बर्थडे लिख कर फिर ऐसे धागे में बांध बांध कर ऐसे बांध दीजिए, वही मैं आपको बता रही हूँ। और फिर उसके बाद
लाइट्स वगैरह आपके पास है तो वो लगा दीजिए। ऐसे जिसके पास ना हो कुछ भी तो वो ऐसे सजा सकता है बच्चों का मन रखने के लिए। वही मैं लगा रही हूँ ऊँचे पर चढ़कर आप लोग को दिखाने के लिए। मैं सोच रही थी अपलोड करूँ नहीं करूँ, आप लोग को पसंद आएगा नहीं आएगा। फिर मेरी बेटी ने बोला मम्मा इसको अपलोड कर दो, देखिएगा जिसके पास कुछ नहीं रहता है वो ऐसे डेकोरेट करे तो अच्छा लगेगा। और अभी देखिए मैं लाइट भी लगाऊंगी तो देखिएगा कितना सुंदर लगेगा। देखिए मैंने लाइट ऐसे मेरे घर में ऐसे लाइट पड़ी हुई थी जो दिवाली वगैरह में लगाते हैं, उसको ऐसे लगा कर ऐसे कर देंगे। देखिए बताइएगा लाइट्स कैसा लग रहा है डेकोरेट। फिर मैंने केक भी बनाया था तो